पंतप्रधान मोदींची महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीतल्या प्रचाराची शेवटची सभा मुंबईतल्या शिवाजी पार्कमध्ये पार पडली आहे, पण शिवाजी पार्कात सभा होऊनही मोदींनी उद्धव ठाकरेंचं नाव घेणं टाळलंय. त्यांच्या 33 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार यांचं एकदाही नाव घेतलं नाहीये. इतकंच काय, ठाकरेंच्या शिवसेनेचाही त्यांनी थेट उल्लेख केला नाहीये. बाळासाहेबांचा अपमान करणाऱ्या काँग्रेसकडे ठाकरेंनी पक्षाचा रिमोट कंट्रोल दिला अशी टीका मोदींनी नाव न घेता केली आहे. त्यांच्या टीकेचा सगळा रोग हा काँग्रेसवर होता. मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अगाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाड़ा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है. मैंने इन्हें चुनौती दी थी कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाड़ा साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए. एक सोच महाअघाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है. ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं. ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.